सबसे पहले क्या कह के संबोधित करूं आपको, हिट मशीन कहूं, सुपरस्टार कहूं, ट्रेंडिंग स्टार कहूं या कुछ और, किस चीज को कहके क्या कहके आपको संबोधित करूं सर? बस आप अपना भाई समझ के संबोधित कर दीजिए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हम लोग शायद इस पे ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि यही नहीं मिलता है, बाकी चीज़ तो हर जगह मिल जाती है। फरिश्ता की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इंतजार इस बात का था कि खेसारी लाल यादव आएंगे और ऑफिशियल रिलीज डेट जो है इसकी वो अनाउंस करेंगे, तो क्या ऑफिशियल रिलीज डेट है फरिश्ता थिएटर्स में, कब आ रही है खेसारी भाई बताएं? ये 9 तारीख को बिहार और झारखंड यूपी सब जगह ऑल ओवर इंडिया ना, ऑल ओवर इंडिया, तो ऑल ओवर इंडिया शायद 9 तारीख को ही रिलीज होगी और होली के शुभ अवसर पे ही होगी, क्योंकि 2 दिन तो होली के हिसाब से तो आप तो जानते ही हैं कि होली में क्या होता है, तो इसलिए मैं 9 तारीख को शायद हम लोग ऑल ओवर इंडिया इसको रिलीज करेंगे। फरिश्ता की कहानी सच पूछिए तो 3 ही लोग जानते हैं, एक मैं, एक श्रद्धा जी और एक अमित शुक्ला जी, और मैं ऐसा किरदार कर पाया तो मुझे लगता है कि इसमें इन दोनों का बहुत योगदान मिला, मुझे इतना सपोर्ट मिला इन लोगों का। कोई भी दुनिया में कलाकार तभी बेहतर कर पाता है जब सामने वाला बेहतर करता है, और ये लोग इतना बेहतर किए कि एक पागल का किरदार करना जो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं समझना है, ये बहुत कष्ट होता है। मुझे नाचने आता है लेकिन मुझे अब बिट नाचना है तो वो कष्टदायक होता है, और कोई भी चीज़ें ईजिली नहीं थी मेरे लिए, और फरिश्ता मेरे लिए एक चैलेंज था, और पूरे दिन धूप में और उस कॉस्ट्यूम में रहना और रात में रहना दिन में रहना तो बहुत कष्टदायक था मेरे लिए, और 45 डिग्री गर्मी में ऐसा करना बहुत कठिन काम था। और हमारे लाल बाबू पंडित हों, चाहे विजय जी हों, चाहे हमारे रेड्डी साहब हों, चाहे उस टीम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, प्रकाश जैसे लेकर मेघा सरी से लेकर, मैंने हर आदमी अपना 110% दिया। हमारे प्रिंस भाई जो कि कैमरामैन थे, और उसमें काम करना बहुत कष्टदायक था लेकिन सबने बेहतर किया, और काबिलियत तारीफ जब सब टेलर दुनिया ने देखा तो सबने बोला कि हाँ भोजपुरी में कुछ बेहतर चीज़ें आई है, तो आदमी जब कुछ करता है और जब पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है तो वहाँ समझ में आता है कि नहीं हमें बदलाव की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी बदलाव चाहता है और हम तो शुरू से ही चाहते हैं कि बदलाव हो कुछ और बेहतर करने की, क्योंकि जब तक एक्टर की सिनेमा होगी और एक्टर का करेक्टर होगा तब समझ में आएगा। हम लोग सिनेमा के करेक्टर ढूंढते हैं लेकिन इंसान के करेक्टर अगर हम ढूंढ के चले तो शायद हर आदमी का अपना कहानी है और उसे हमें अगर पिरोना है तो जैसे अनंत कमलेश की भी एक कहानी होगी अगर अनिल, तो वही कहानी अगर हम लेकर करें तो मुझे अनंत कमलेश बन के करना पड़ेगा, तो वो एक एक्टर के लिए चैलेंज होता है, तो और वही चैलेंज था मेरे लिए, और हम लोगों ने कोशिश की है एक बेहतर सिनेमा देने की। अब देखिए जनता का क्या प्यार और क्या स्नेहा था हमारे, तो इस करेक्टर को निभाने के लिए आपने कितने दिन नहाए नहीं? 18 दिन नहीं नहाए थे, बाकी सब कुछ किए थे, 18 दिन नहाए नहीं थे खाली। खेसारी सर, ये जो पूरा ट्रेलर है लास्ट तक हमने देखा है लेकिन कहानी समझ नहीं आई कि भाई पहले क्या हो रहा है, बात क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि पिता बहुत ही बुरी तरह अपने बेटे को मारे जा रहा है, बेटा पिता से बहुत प्यार किए जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लोग अलग नजर से भी देख रहे हैं कि क्यों पीट रहा है, बता सकते हैं आप तो प्यार कर रहे तो मार का है। नहीं देखिए एक बात बताऊं, ये ट्रेलर देख के समझ में आ जाता तो फिर फिल्म क्यों बनती, इसीलिए तो फिल्म बनाई गई है कि ट्रेलर्स में सब कुछ अगर हम समझा देंगे तो शायद फिल्म लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसीलिए फिल्म है। और एक परिवार की कहानी है तो परिवार कैसे क्या होता है नहीं होता है और एक परिवार में क्या अहमियत होती है, दुनिया हीरोइन के लिए पागल होती है, गर्लफ्रेंड के लिए पागल होती है, लेकिन वो आदमी किस लिए पागल है अब सिनेमा दुनिया देखेगी तो शायद समझ में आएगा, और ये पहला ऐसा सिनेमा होगा इतिहास में जो कि आपको एक अलग नज़र आएगा और इसका पागलपंथी अलग नज़र आएगी सबको। और हम लोगों ने कोशिश की है कि वो किरदार को जितना बेहतर कर सके, मैं अपने तरफ से अपना इनपुट जितना हो सकता है मैंने कोशिश की है, और आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर बदले पहले बताइए, एक साथ बोलिए सब लोग, ओके थैंक यू। तो जब आप जैसे आईना हो, आप लोग समाज के आईना हो, अगर आप लोगों की चीज़ें बेहतर आई और मुझे खुशी इस बात की है जैसे आप लोग सिनेमा का ट्रेलर देखे हो, नहीं तो हमारे भोजपुरी में अक्सर ऐसे होते हैं कि सिनेमा कोई देखता नहीं है उसको बलगर बता देता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा हुआ, तो सुनी हुई बातों को आप लोगों ने नहीं बल्कि देखी हुई बातों को आपने रखा, इसलिए आप सबको भी दिल से थैंक यू। केसरी जी एक बहुत बड़ा नाम है आपने फिल्म इंडस्ट्री
जंग छिड़ी हुई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बीच में, आपका नजरिया जानना चाहते हैं। देखिए, जंग बहुत ज़रूरी है। जंग में इंसान, हर आदमी जीतना चाहता है। जंग बुरी चीज़ नहीं है, पर वो किस लेवल पे हो रही है, काम को लेकर अगर हो रही है तो बहुत बेहतर है। अगर बात विवाद के लिए होती है तो वो बुरा है, लेकिन अगर काम के लिए हो रही है कि मैं बेहतर करूँ तो इससे हम सबका भला है। और ये जंग हमेशा होना चाहिए, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, या बंगला हो, या कोई भी दुनिया का लैंग्वेज हो। अगर काम को लेकर जंग हो रही है तो समझिए कि बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो हर आदमी अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, हर आदमी बेहतर करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा जंग हमेशा होना चाहिए। आप देखते हैं सर फिल्म कोई? बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ, क्यों नहीं। मैं इस सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ, सिनेमा का हिस्सा हूँ, चाहे भाषा अलग हो सकती है मेरी, लेकिन मैं तो एक हूँ कलाकार ही। तो एक कलाकार होने के नाते मुझे हर चीज़ देखना होता है, और कोशिश आदमी करता है कि उससे बेहतर करे और अपने समाज को और अपने भाषा को बड़ा करे। देखिए, अब तो आप सभी माध्यम है हम लोगों के पास, क्योंकि पहले तो थिएटर हम जाते थे, लेकिन अब वो आजकल तो हर आदमी के मोबाइल में ही चले जाते हैं हम। तो हमारी कोशिश है कि आप सबके माध्यम से ही अगर लोगों का ज़्यादा रुझान हुआ सिनेमा के प्रति, तो हम थिएटर तक भी जाएंगे और जितना भी हो सकेगा लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। सर, इनका नाम है फरिश्ता, आपकी ज़िंदगी में फरिश्ता कौन रहा है, कौन है? मेरे ज़िंदगी के फरिश्ता आप भी हैं बाबा, ये पूरी मीडिया है, ये सब बैठने वाले हर वो कड़ी है मेरे जीवन के फरिश्ता। रीज़न ये है कि देखिए, हर आदमी अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर गलत भी बोले या बुरा भी बोले या सही भी बोले, कुछ भी बोलता है, तो आपके जीवन के लिए वो फरिश्ता ही होता है। रीज़न ये है कि मैं आपको कहीं ना कहीं वो पुश किया है, तो मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे जनता हो, मीडिया कर्मी हो, मेरे सीनियर हो, हीरोइने हो, या करेक्टर रोल हो, या कैमरामैन से लेकर स्पॉट बॉय तक, हर आदमी मेरे जीवन का फरिश्ता है जिन्होंने मुझे संवारा है। हिंदुस्तान के साथ साथ दुबई में भी आपके फिल्म का ट्रेलर ट्रेंडिंग पे है। यही तो खूबी है, जो हम एक जगह है ये नहीं है। आप जहाँ देखिएगा हमारा भाषा है, हमारा भाषा है। अगर हमारा भाषा लंदन में ट्रेंड करता है, या लंदन के लोग संघर्ष 2 को भी, सबने जो भी क्रिएटर हैं सबने तारीफ की, इनकेस की फरिश्ता को हर आदमी ने तारीफ किया, हर भाषा के लोगों ने तारीफ की। तो ये हमारी जीत है, हम सबकी जीत है, हमारे भाषा की जीत है, हमारे कल्चर का जीत है, जो लोग आज इतना प्यार और स्नेह हमें दे रहे हैं। खेसारी भाई, बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं लोग फरिश्ता को लेकर, आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने करीबी लोगों से, सिनेमा इंडस्ट्री से, आपके चाहने वालों से, जो भोजपुरी फिल्मों के लोग हैं वो किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं फरिश्ता के ट्रेलर को, कर भी रहे हैं या नहीं? ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जैसे इनको जैसे इनको पते नहीं है कि लोग देखे हैं कि नहीं देखे। अब तो कितने कलाकारों से, मीडिया कर्मी हमारे आप ही जैसे भाई लोग पूछे हैं कि आपने फरिश्ता का ट्रेलर देखा है, आपके संघर्ष 2 को देखा है? तो बहुत सारे कलाकार बोले भी हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी है कि बोले कि नहीं, हम नहीं देखे हैं। तो अच्छी चीज़, हमारी भोजपुरी सिनेमा में लोग नहीं देखते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप अच्छी चीज़ नहीं देखिएगा तो अच्छा करिएगा कैसे? मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ किसी की भी हो, चाहे वो छोटे कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, कलाकार कोई छोटा नहीं होता, हर कलाकार कलाकार ही होता है। लेकिन हाँ, एक जूनियर सीनियर की बातें होती है, तो मुझे लगता है कि किसी की भी अगर बेहतर चीज़ हो तो हम सबको देखना चाहिए, ताकि हमें उससे भी सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम देख लेंगे तो छोटे हो जाए, मोबाइल में तो देखना है, कौन सा हम पब्लिकली देखना है, कहीं भी रजाई में घुस कर देख लेने का। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि ना भाई, क्यों देखी तो न्यूज में छाप दी, तो कौन काम बा, रजाई में घुस कर बैठ, बाथरूमों में बैठ कर आदमी, आधा तो काम आजकल बाथरूमे में होता, हम आधा गाना तो बाथरूमे में लिखे ले जा हमने के। हमारे कृष्णा बेदर्दी इसके हिस्सा है, जो कि आप लोगों ने गाना एक ट्रेंड में, विदाउट रिलीज वो गाना ट्रेंड में आ गया कि पागले बना दी राम जी, पागले बना दी। तो कहीं ना कहीं हम सबका कोशिश है जे एक बेहतर सिनेमा के गाने बने। अब तो हम हमेशा कृष्णा जी, चाहे हम बैठते हैं, अब इसलिए मेरे गांव से हैं और रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं ये, और हम बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़े भी हैं, बैठे भी हैं, उठे भी हैं, हर कुछ एक दूसरे के साथ रह के ही किए। तो अब हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अब हम पहले एल्बम की तरह गाना बनाते थे सिनेमा का, लेकिन अब हम सिनेमा के गाना बनाते हैं, सिनेमा के सिचुएशन के गाना बनाते हैं। तो कोशिश है हमारी, बाकी सर, लेकिन कुछ मेकर्स हैं आपके जो नाराज़ हैं इस वजह से कि भाई आप समय नहीं दे रहे हैं फिल्म प्रमोट के लिए, प्रमोशन के। अच्छा, तो ये बताइए, अभी हम बिना खाए हुए आ गए हैं, कोई बुलाएगा तो हम काहे नहीं जाएंगे?
आखिर हम यहाँ आए हैं, अगर हमें नहीं करना होता तो हम यहाँ क्यों आते? जैसे कि आप हाल ही में पटना गए थे और आपने बोल रहा था बोल का प्रमोशन नहीं किया वीना थिएटर में जाकर, लेकिन वहीं पे एक म्यूजिक चैनल के और कोई सॉन्ग आया तो वहाँ पे हमने प्रमोशन किया। लेकिन म्यूजिक चैनल वाला मुझे बुलाया तो मैं गया। ऐसे भाई अब आपको भी पता है कि हम ऐसे किसी भी थिएटर में विदाउट परमिशन के विदाउट प्रोटोकॉल के नहीं जा पाएंगे। वहाँ भीड़ होती है, गैदरिंग होती है, कौन क्या लेकर आया है, कैसे आया है, उसमें दोस्त भी है, दुश्मन भी हो सकता है, ज़्यादा दुश्मन है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है कि वहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं जा सकता ना। तो वहाँ प्रोटोकॉल आप लगवाइए, अगर आपको नहीं लगता है कि हाँ भाई खेसारी को बुलाना है तो आप लगवाइए, अगर मैं नहीं गया तो दोषी होना। आप लगवाइएगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे? अगर ये व्यवस्था आप लोगों को बुलाया गया है तभी ना आ पाए हैं। लेकिन सर आरोपी भी लग रहा है कि